चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ईएसआई अस्पताल पहुंचे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी उनके साथ है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट करने पहुंचे हैं अस्पताल। मंत्री खाचरियावास ने 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहां पर दिए हैं। चलिए सुनते हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को क्या कह रहे हैं। परसों में सभी में बोर्ड सारे अस्पतालों में जाएंगे, जो भी सुधार की गुंजाइश है वो सब करेंगे। वो जो कह रहे हैं वो एक दो दिन लगेंगे सामुदायिक केंद्र। हम पहले टीबी हॉस्पिटल को अभी जा रहे हैं, टीबी हॉस्पिटल हम देखेंगे, वहाँ शुरू करवाना मैं चाहता हूँ। सामुदायिक केंद्रों में जो रघु जी कह रहे हैं हमने उनको दिए हैं, लेकिन अभी वहाँ पूरी तैयारी नहीं है। जैसे ही तैयारी होगी, सामुदायिक केंद्र 2-3 जयपुर के हमने देखे हैं जहाँ हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा अभी पहले टीबी हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है कि जैसा हमने आरयूएचएस में सिस्टम बनाया है, जो भी आदमी रिसेप्शन पे जाएगा वेंटिलेटर के माध्यम से उसको ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से उसको आते ही ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाएगा और व्हील चेयर पर ही दे दिया जाएगा। ये यहाँ भी शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ 200 बेड थे, ये 200 बेड को हम 300 बेड शुरू करेंगे आने वाले समय में। जो इनकी डिफिकल्टीज है अस्पताल प्रशासन की, उसको हम दूर करके और 300 बेड करेंगे। और जो व्यवस्था आरयूएचएस में की है वही व्यवस्था यहाँ पे भी करेंगे। डिमांड के आधार पे होता है, ये कोई ऐसा नहीं है। वहाँ पे भर्ती मरीज कितने क्रिटिकल कंडीशन में है, कितने लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत है, कितने लोगों को सामान्य ऑक्सीजन के सपोर्ट में रखा गया है, कितने लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको कैलकुलेट करके ही उसी हिसाब से दिए जाते सब चीज़। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ईएसआई अस्पताल यहां पर पहुंचे, जहां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि यहां से टीबी अस्पताल सामुदायिक केंद्र के लिए वो रवाना हो रहे हैं।